जनकपुर के खेतखेड़ा गांव में पहुंचकर प्रदेश के सह संयोजक सुभाष बगोली ने महिलाओं की समस्याओं को सुना। क्षेत्र की महिलाओं ने अपनी समस्याएं सुनाते हुए बताया कि श्रम विभाग द्वारा उनकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं ने अपनी अन्य निजी समस्याएं भी सुभाष बगोली के सामने रखी। सुभाष बगोली ने सभी को आश्वासन दिया कि श्रम विभाग संबंधित सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस मौके पर सुभाष बगोली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रम के तहत दृष्टिबाधित लोगों की पत्नियों को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को मना रही है और इसका जन्मदिन का कार्यक्रम हमारा 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसके माध्यम से हम गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में मोदी जी की जो इस देश के लिए जनप्रिय योजनाएं हैं, लोक हित में की जो योजनाएं हैं, उनको लोगों को बताएंगे, जनता को बताएंगे। और साथ ही मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम जनता को जागरूक करेंगे कि वो वैक्सीनेशन करें, सफाई अभियान चलाएं और हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाकर दिव्यांगों को और जुड़े हुए जो भी हमारे समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों और जनता के बीच में जाके जनता हमें अपनी समस्याओं से भी अवगत करा रही है। तो निश्चित रूप से जो जो समस्याएं हमारे संज्ञान में आएंगी उनके निराकरण का हम प्रयास करेंगे।